हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में हैं। वजह उनका एक बयान जो किसान आंदोलन को लेकर दिया गया है, लेकिन अब उनके बयान से पार्टी ने किनारा बना लिया है। बीजेपी ने कहा कि किसानों के ऊपर दिए विचारों उनके निजी हैं, बीजेपी का इससे कुछ लेना देना नहीं, भविष्य में ऐसा कोई बयान देने से बचे। बीजेपी ने अपने बयान में कहा कि सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के प्रतिपक्ष में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनके बयान से असहमति व्यक्त करती है। बीजेपी ने अपने बयान में आगे कहा कि पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के किसी बयान भविष्य में देने से बचे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वो सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलती है और इसके लिए कृतसंकल्पित है। आपको बता सकें कि इंटरव्यू के दौरान बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते थे। सभी ने देखा है कि किसान आंदोलन में क्या हुआ, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, रेप हो रही थी। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी, अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसान, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है, देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितने इनकी बुद्धि है उतने इनके करतूते भी हैं। कंगना रनौत ने इस बयान के बाद घमासान मचा दिया, और वही विपक्ष के नेता ने कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला। आप पंजाब के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने विवादित बयानों के लिए भाजपा सांसद कंगना रनौत की कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो लगातार पंजाब का माहौल खराब करने वाला बयान देती रही। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत कभी पंजाब के किसानों को बदनाम करने वाला बयान देती हैं, तो कभी पंजाबियों को बदनाम करने वाला, और कभी पंजाबियों को आतंकवादी कहती है। उनके बयानों से ऐसा लगता है जैसे उसे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है, या पार्टी द्वारा उसे जानबूझकर ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। वहीं कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने देश के किसानों को हत्यारा, बलात्कारी कहा है। ये भी कहा कि अमेरिका चीन देश में अस्थिरता फैल रही, यानी मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि विदेशी ताकतें साजिश रच रही हैं। इस बारे में बीजेपी अपनी चुप्पी तोड़े, वरना ये उनका आधिकारिक स्टैंड होगा।